अपनी अदाकारी से बॉलीवुड के जरिए लाखों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र उन कलाकारों में शामिल हैं जो अभिनय के साथ जनप्रतिनिधि के तौर पर भी एक पहचान रखते हैं। पंजाबी मुंडे और धर्मपाल जी के नाम से पहचान रखने वाले धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और दूसरों को भी इसकी सीख देते रहे। ऐसे कलाकार के जन्मदिन पर पेश है A1 TV की खास रिपोर्ट। सन 1958 में धर्मेंद्र पहली बार मुंबई आए थे। वो मुंबई फिल्म फेयर टैलेंट हंट में भाग लेने गए थे, लेकिन यहीं पर उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता अर्जुन हिंगोरानी से हो गई। बस यहीं से धर्मेंद्र का फिल्मी सफर शुरू हो गया। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। लोगों ने धर्मेंद्र की अदाकारी को खूब पसंद किया। धर्मेंद्र को बचपन से फिल्में देखने का शौक था और वो अभिनेत्री सुरैया के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने उनकी फिल्म दिल लगी 40 बार देखी थी। करियर की कामयाबी के साथ ही धर्मेंद्र की जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार परवान चढ़ा। उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, और इसके बाद भी उन्होंने काफी फिल्में साथ की और फिर शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अनपढ़ और बंदिनी के अलावा कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका सितारा चमका फिल्म फूल और पत्थर। 70 के दशक के सबसे महंगे सितारे धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हैं और दो बेटी हैं, जबकि हेमा मालिनी से उन्हें दो बेटियां ऐशा और अहाना हैं। अपने बेटों सनी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता है। प्यार और एकता की मिसाल है ये परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार में कभी दरार नहीं देखी गई। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया है। हाल ही में धर्मेंद्र के पोते करण ने भी फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा है। धर्मेंद्र को वर्ष 2012 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वो फिल्मों के अलावा राजनीति में भी सक्रिय रहे और टीवी शो में हाथ आजमा चुके हैं।